आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसे वहां के शॉपिंग मॉल, नाइट सो नाइट वॉक, दुकानों और सुंदर फव्वारों की वजह से जाना जाता है। यहां लगभग हर ब्रांड के शोरूम हैं। इसे चंडीगढ़ का दिल भी कहा जाता है। यहां का लाइट शो पूरी दुनिया में फेमस है। एक समय में इसकी गिनती भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की। नमस्कार, आज की वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सेक्टर 17 को क्यों पसंद किया जाता था और अब यह अपनी रौनक क्यों खोते जा रहा है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को ही सेक्टर 17 कहा जाता है। सेक्टर 17 कभी चंडीगढ़ का दिल हुआ करता था। जो लोग भी चंडीगढ़ आते थे वह सेक्टर 17 जरूर जाते थे। इस जगह को पैदल यात्री का स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ लोग नाइट वॉक पर आते थे। यहाँ कई अच्छे ब्रांड के बड़े बड़े शोरूम हैं। इस सेक्टर में काफी पॉपुलर नील थिएटर भी है। यह सेक्टर शहर के बीच में है। पहले यहाँ ISBT था, अब यहाँ से लोकल बस चलती है। यहाँ रात में लाइट शो भी होता है। पहले आए दिन यहाँ कोई ना कोई पंजाबी सिंगर अपना शो जरूर करते थे, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 17 के बारे में लोगों का कहना है कि सेक्टर 17 अपनी चमक खो रहा है। सेक्टर 17 में पहले जैसी बात नहीं रही। जो बातें सेक्टर 17 को खास बनाती थी, जो बातें उसे चंडीगढ़ के और सेक्टर से अलग बनाती थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। सेक्टर 17 का मेन मार्केट काफी ज्यादा फेमस था, जहाँ सबसे ज्यादा लोग पहुँचते थे, लेकिन अब इस मार्केट में भीड़ का आना कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हो गया है, लेकिन अब यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। अगर हम सेक्टर 17 की चमक फीकी पड़ने के पीछे के कारणों पर गौर करें तो यह जगह शहर के बीचों बीच है, जहाँ चंडीगढ़ शहर का बस स्टैंड था, जो अब सेक्टर 43 में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पहले सरकारी दफ्तर थे, जिन्हें अब पंचकूला में शिफ्ट कर दिया गया है, और बची खुची रौनक कुछ साल पहले वहाँ 20 एकड़ में खुले मॉल ने खत्म कर दिया। इस मॉल ने अपने अंदर ही एक छत के नीचे सब कुछ समा लिया है। ऐसे में धीरे धीरे सेक्टर 17 अब अपनी पहचान खोते जा रहा है। एक समय था जब शनिवार की शाम में यहाँ पर काफी रौनक होती थी, लेकिन अब तो कुछ त्योहारों पर ही यहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लोग तर्क देते हैं कि उस जगह को विकसित करने के लिए मॉल जैसे कई कदम उठाए गए, लेकिन वैसे लोगों को हम बता दें कि दुनिया में कई सारे मार्केट ऐसी हैं जो 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। वो आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन अभी भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। लेकिन 17 मार्केट ऐसा नहीं कर पाया, और यह भी कहा जा सकता है कि 17 मार्केट को उस हिसाब से ढाला ही नहीं गया। सेक्टर 17 की अपनी कोई सोशल साइट नहीं है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी अब हद से ज्यादा महंगी हो गई हैं। पर पर्यटकों को लुभाने या उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सेक्टर 17 में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है जो पर्यटकों को दोबारा आने पर मजबूर कर सके। हालांकि स्थानीय प्रशासन चाहे तो छोटे छोटे बदलावों के जरिए सेक्टर 17 की रौनक लौट सकती है। आप सेक्टर 17 को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।